आप भी चाहते होंगे कि आपके गार्डन में भी ऐसे प्लांट हो जो परमानेंट हो और सालों साल आपके गार्डन में बने रहे और कम देखभाल में चले और डिवाइड भी होते हों और आप उनकी कटिंग भी इजीली लगा सकते हैं। तो ऐसे प्लांट मैं शेयर कर रही हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहला जो प्लांट है ये है युक्का। युक्का एक बेहद ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी जो पत्तियाँ हैं वो बहुत ही प्यारी होती हैं और ये परमानेंट प्लांट होता है, सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है, कम देखभाल में चलता है। और इसकी एक खासियत ये है कि इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं, तो उनसे आप एक से हज़ारों बना सकते हैं। तो ये मेरे बेबी प्लांट थे और अभी इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अगर आप इसको नर्सरी से लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा महंगा मिलता है, अगर आप छोटा प्लांट लेके आएंगे तो 100 रुपये का आपको मिल जाता है। तो ये वाला जो प्लांट है ये सालों साल चलने वाला परमानेंट प्लांट है, इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और दूसरी खासियत ये है कि कम देखभाल में चलता है। वैसे तो ये इंडोर वाला प्लांट है बट मैंने इसको धूप में ही रखा हुआ है और अभी आप इनका पत्तियों का कलर देख ही रहे हो कितना ग्रीन है। ये सर्दियों में थोड़ा सा रेड रेड सा इनकी जो पत्तियां हैं वो हो जाती हैं बट ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहता है। मेरे पास एक मदर प्लांट है और ये देखिए, ये इनका मदर प्लांट है। इसी से बेबी प्लांट 4 निकले थे, मैंने 4 प्लांट बनाए थे, एक मैंने फ्रेंड को दे दिया और अभी एक और निकलना है। यहाँ दिख रहा होगा आपको, इसमें 4 और छोटे छोटे निकले हुए हैं, अभी एक ही ऊपर आया है। तो फ्रेंड्स ये देखो, इसकी जो स्टीम है कितनी मोटी हो गई है। तो सालों साल और परमानेंट प्लांट में युक्का सबसे पहले आता है। सेकेंड प्लांट है ये क्रिसमस ट्री। ये बेहद ही खूबसूरत पत्तियों के कारण जाना जाता है और ये परमानेंट प्लांट होता है, सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। नर्सरी से अगर आप इसको लाना चाहते हैं तो ये 150 रुपये तक को आपको छोटा प्लांट मिल जाता है। मैंने 150 रुपये का ही ये प्लांट लिया था और ये वाला प्लांट मेरा 8 साल का है और ये वाला जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ ये 6 साल का है। तो ये जो क्रिसमस ट्री होता है ये बेहद ही खूबसूरत प्लांट होता है, कम देखभाल में चलता है और हमेशा के लिए आपके गार्डन में ऐड हो जाता है। आप इसको 15-20 साल तक अपने गार्डन में रख सकते हैं। अगर ये आपका 5 या 7 साल का हो जाता है तो आप इसको ज़मीन में लगा दें तो ये कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाता है। तो गमले में तो ये 10 साल आराम से चल जाता है बट ज़मीन में लगाएंगे तो ये सालों साल बने रहता है। तो इसकी जो पत्तियां हैं वो बेहद ही खूबसूरत होती हैं और कम देखभाल में चलने वाला प्लांट। थर्ड प्लांट है ये मोरपंख यानी थूजा। ये वाला जो प्लांट है ये भी सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है, बेहद ही खूबसूरत इसकी जो पत्तियां हैं वो होती हैं, कटिंग से भी इजीली लग जाता है। तो ये मोरपंख होता है, ये घर में शुभ भी माना जाता है। मेरे पास 2 हैं, कहते हैं जोड़े में इस प्लांट को लगाना चाहिए और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो हमेशा ही ग्रीन ग्रीन रहती हैं, यानी ग्रीनरी ऐड भी करता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। अगर नर्सरी से आप इसको लेना चाहें तो ये 100 रुपये में मिल जाता है। मैंने 100-100 रुपये के 2 प्लांट ले रखे हैं। तो फ्रेंड्स ये वाले जो प्लांट हैं ये भी आपके गार्डन में सालों साल कम देखभाल में चलते रहते हैं और मेरे जो ये प्लांट हैं ये 3 साल के हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इनको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें और ये हरे भरे भी रहते हैं पूरे ही साल, कम देखभाल में चलते हैं, कम पानी में चलते हैं, इनको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। फोर्थ प्लांट है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी बेहद ही खूबसूरत पत्तियों के कारण भी जाना जाता है और सालों साल आपके गार्डन में कम देखभाल में चलता है और ये परमानेंट भी होता है और इसको आप कटिंग से भी इजीली लगा सकते हैं। अभी मॉनसून सीजन में आप इसको ज़रूर लगाएं, तो मैं भी इसकी कटिंग ज़रूर लगाऊंगी। और इसकी जो पत्तियां हैं उसका जो कलर है, कलर जो कॉम्बिनेशन है वो भी बेहद ही प्यारा है। तो एक प्लांट और दिखाऊंगी मैं आपको ऐसा ही, जिसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं तो वो भी दिखाऊंगी, तो वो भी बेहद ही खूबसूरत पत्ती वाला प्लांट है। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया अगर आप नर्सरी से लेना चाहते हैं तो ये भी आपको 100 रुपये तक का छोटा प्लांट मिल जाता है। तो ये जो सॉन्ग ऑफ इंडिया वाला प्लांट है मेरा 7 साल का है, तो ये सालों साल चलने वाला, कम देखभाल में चलने वाला परमानेंट प्लांट है, कम पानी में और कम धूप में आराम से आपके गार्डन में बना रहता है। फिफ्थ प्लांट है ये ड्रेसिना, इसको विक्टोरिया प्लांट भी बोलते हैं। इसकी भी जो पत्तियां होती हैं वो सॉन्ग ऑफ इंडिया की तरह ही होती हैं, उसकी पत्तियां थोड़ी सी पतली हैं, उसकी थोड़ी चौड़ी हैं। और ये वाला जो मेरा प्लांट है ये परमानेंट है,
इसकी मैंने कटिंग ही लगाई थी, यानी ये मेरा प्लांट कटिंग से ही तैयार मैंने किया था। तो मॉनसून सीजन में आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, और किस में से कट करके लगाया था वो भी मैं दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास दो प्लांट हैं, एक प्लांट में मैं ही दो प्लांट मैंने बना लिए हैं। ये वाला प्लांट आपको दिखाती हूँ, ये वाला जो प्लांट है यहाँ से मैंने कट करके दूसरे गमले में लगा दिया, और साइड में से ये ऐसी पत्तियाँ निकल आई, मेरे दो प्लांट बन गए हैं। तो ये भी सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं, परमानेंट प्लांट है, कम देखभाल में चलते हैं। और ये वाले जो मेरे प्लांट है ये भी मेरे 5 साल के हैं। तो फ्रेंड्स, इनको भी नर्सरी से आप ज़रूर लाएं। 6 नंबर पे आता है ये चाइना पाम। तो ये चाइना पाम भी बेहद ही खूबसूरत पत्तियों के कारण जाना जाता है, और सालों साल आपके गार्डन में ये बना रहता है, और कम देखभाल में कम पानी में चलता है। वैसे तो ये इनडोर वाला प्लांट है, बट एक आधे घंटे की धूप में भी ये चल जाता है। तो इसको भी आप नर्सरी से 100 या 150 रुपये में ला सकते हैं, कहीं कहीं ये 100 में भी मिल जाता है। मैंने ये वाला प्लांट तो 100 रुपये में लिया है, और एक दूसरा प्लांट भी आपको दिखाऊंगी, वो मैंने टेरिस पे रखा हुआ है, वो ये वाला प्लांट है। ये वाला प्लांट तो मैंने सिर्फ 40 रुपये में ही लिया है, तो ये मेरे को सस्ता ही मिला, और अभी इसकी जो पत्तियाँ हैं वो अच्छे से चमक रही हैं, अच्छी सी ग्रोथ कर रही हैं, ग्रीनरी ऐड भी करती हैं, और इसकी जो पत्तियां हैं मेरे को तो हाथी के कान के जैसी लगती हैं। तो इसको भी आप नर्सरी से ज़रूर लाए, जो सालों साल परमानेंट होता है। 7 नंबर पे आता है अपना मनी प्लांट। तो मनी प्लांट एक तो बिल्कुल ही सस्ता आता है, यानी 20 या 30 रुपये वाला आता है, ये थोड़ा सा बड़ी पत्तियों वाला आता है, इसको मार्वल फोटोज भी बोलते हैं। ये वाला जो प्लांट है ये आपको थोड़ा सा महंगा मिलता है, मैंने ये 100 रुपये का नर्सरी से लिया है, और इसकी जो पत्तियां हैं वो देखो मेरी हथेली के जितनी है। तो ये वाला प्लांट भी परमानेंट होता है, कटिंग से इजीली लग जाता है, एक से आप हजारों बना सकते हैं। तो इसको भी आप नर्सरी से ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें, जो सालों साल आपके गार्डन में ऐसे ही बना रहता है। 8 नंबर पे आता है ये जेड प्लांट। जेड प्लांट भी बेहद ही खूबसूरत प्लांट है, ये भी परमानेंट प्लांट होता है, कम देखभाल में चलता है, और एक बार आप नर्सरी से इसको 100 या 150 रुपये में छोटा प्लांट ले आए तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है, और इसको आप धूप में रख सकते हैं, आराम से ये ग्रो करता रहेगा, और इससे आप डेकोरेटेड अपने गार्डन में मिनी गार्डन, फॉरेस्ट गार्डन, जैसा भी गार्डन आप बनाना चाहें बना सकते हैं, टोपारी बना सकते हैं, पिकॉक बना सकते हैं, जैसे भी शेप आपको देनी है वैसा आप इसको डाल सकते हैं। तो वैसे तो ये कटिंग से इजीली लग जाता है, घना भी आप इसको बना सकते हैं, बस मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी में आप इसको लगाएं, और फिर इसमें बस सुबह शाम थोड़ा पानी देते रहे। गर्मी में, सर्दियों में तो आप इसको 2 या 3 दिन में भी पानी दे सकते हैं, क्योंकि ये सैक्युलेंट वैरायटी में आता है, इसमें जो इसकी जो पत्तियां और जिसकी स्टेम होती है उसमें पहले से ही पानी स्टोर होता है, तो इसमें सर्दियों में पानी कम देना होता है। तो मैंने ये टोपारी वगैरह कुछ मिनी गार्डन बनाए हैं, सभी वेस्ट चीज़ों से बने हुए हैं, आप देख ही रहे हो, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। और अगर आपको ये टोपारी फॉरेस्ट गार्डन वगैरह अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे भी न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, जेड प्लांट को भी आप नर्सरी से ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कर। 9 नंबर पे आता है ये हार सिंगार। हार सिंगार भी बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है, सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है, और मेरा जो ये प्लांट है ये मेरा 8 साल का है, और मैंने इसको एक बार भी रिपोर्ट नहीं किया है, यानी जब से मैं नर्सरी से इसको लाई हूँ इसी गमले में ये लगा हुआ है, और इसकी स्टीम जो आप टहनियाँ देख ही रहे हो कितनी मजबूत, कितनी मोटी हो चुकी हैं। और जब मॉनसून सीजन आता है, अभी ये 15 दिन के बाद ही इतना हरा भरा इसकी जो पत्तियाँ हैं वो हो जाएंगी, और इसमें बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे फ्लावर भी आते हैं। फिर 10 नंबर पे आता है ये शमी का प्लांट। तो शमी का प्लांट भी शुभ माना जाता है, और हार सिंगार को भी, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, ये 100 रुपये का नर्सरीज पे आपको मिल जाता है, और ये परमानेंट होता है, कम देखभाल में चलता है, सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है, और इसमें छोटे छोटे ऐसे पिंक और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में फ्लावर भी आते हैं,
और ये जो प्लांट है ये अपने आप ही उग गए हैं, और ये वाला जो है ये सफलेरा का प्लांट है, ये भी परमानेंट होता है, बट इसको मैंने यहाँ टेरेस पे रखा हुआ है, तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो थोड़ी सी धूप में झुलस गई हैं, तो इसको इंडोर में रखना होता है, और ये भी सालों साल चलता है। फिर 11 नंबर पे आता है ये स्नेक प्लांट, तो स्नेक प्लांट भी परमानेंट होता है, कटिंग से इजीली लग जाता है और डिवाइड भी होता रहता है, तो ये भी सालों साल आपके गार्डन में नहीं जाता, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। नर्सरी से ये आपको 100 रुपये में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो भी आपको प्लांट दिखाए हैं वो परमानेंट है, सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें।